हेलो जी, सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप कौर, पंजाबी कुकिंग एंड पंजाबी कल्चर में थोड़ा स्वागत करती हूँ। सवेर का टाइम है जी, सवेर के बज रहे ने 6 ते मैं उठी हुई हूँ 4:30 बजे जी। ते अपा की कर रहे हैं ना तुम दसते हैं। ते उस तो पहले फ्रेंड, जो तुम मेरे चैनल के नवे तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर दियो। तो जे थोड़ी मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मैं लाइक कमेंट करके जरूर दस्या करो जी। तो वीडियो से बने रहो एंड तक। बाकी अज हैगा उधम के स्कूल कोई फंक्शन है ना, तो उधम कहते मम्मा मैडम ने कहा है कि तुम टिक्की कोई भी चीज़ लेके आ सकते हो, टिक्की फ्रेंच फ्राइज लेके जाने ने। 2 दिन हो गए रौला पाया होया। तो कल असं समान लेके आए है ना, कुछ तो समान अपने घर पे आए सीगा, कुछ क लेके आए है ना। तो चलो जी, जब तुम फ्रेंच फ्राइज तो टिक्की बनाने का ईजी तरीका दस दें, तो नाले उधम को बना के देवे स्कूल च। वैसे असं तो हजे खाने नहीं, असं दिन चढ़े खावे है ना। आ देखो, सब तो पहले तुम फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका दस दिनी है। ये ना अपने इदा आलू लेने हैं ना, इदा बरीक बरीक चीर लेने हैं। तो फिर इन्हों ना 5-7 मिनट लिए अपने गर्म पानी के सिर्फ हल्की जी उबाली देनी है। आ देखो इन्हें इदा टुट रहे हैं इदा, ठीक है। तो फिर इन्होंने पानी चो कट के पानी निचोड़ के ना चंगी तरह मैं एक साफ सुके कपड़े पा ले सके। फिर वो 15-20 मिनट हो गए उन्होंने रखे, पानी एन सोख तक करता जी। तो इधर कुछ मैं बनाए थे है ना, आ देखो इन्हें बिलकुल फिर नरम बन गए। आ देखो तो इधर मेरे टिक्की बनाने वास्ते आलू उबाले हुए ने। आलू भी अपने अद्धा अद्धे घंटे तो वध हो गया, पौना घंटा हो गया उन्होंने उबाल के रखे ये ना ठंडे हो गए हैं। जो भी तुम टिक्की बनाने तो आलू जो बिल्कुल ठंडे कर लेने। आ देखो हम नेट तो समान दिखा सकते कि अपन कि समान लेना है। लो जी, इधर अपने लिया है चौलों का आटा। ये अपने चौल पीस के बरीक चौलों का आटा बना लिया। जे थोड़े को मिक्सी वगैरह नहीं तो तुम बाजार चो भी लेके आ सकते हो चौलों का आटा। जे तुम ये नहीं पाना तो तुम अरारूट भी पा सकते हो या कॉर्नफ्लोर ये जगह पर। तो यह ले जी अपने ओरेगैनो, ये है अमचूर, चिली फ्लैक्स है ये। तो यह लेना जी अपने चाट मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी जी पा लेंगे हल्दी, नमक, जीरा। तो बीचे पा लेंगे जी ये अजवैन। तो यह हैगा जी अपना चाट मसाला दूजा तैयार करो, जो अपना टिक्की ते चाट पापड़ी दही भल्लिया वाला होंगे। ये अपने घर ही तैयार करिया। यदि रेसिपी मैं थोड़ा जो थोड़ा चाहिए वो मैं थोड़ा दे दूंगी है ना। वैसे मैं काफ़ी वीडियो पिछे दसिया होया मैं। लो जी, इधर अपना तेल जो फुल गर्म हो गया। तो सब तो पहले तो जी आप टिक्की का समान तैयार कर लें। आ देखो आलू अपने ज्यादा वो नहीं करना है, बरीक नहीं करना, पीस लेना कद्दूकस करना एदा नहीं, इन्होंने हाथों नाल घोल लेना है। मोटे मोटे दर्द रहे जी। तो इमली की खट्टी मिठी सॉस जी अपने घर बनाई हुई है सुके सुके जी टिक्की बनाने वास्ते। एकदम टिक्की जी फिर वधिया बनूगी, बाइंडिंग भी अच्छी आ गई। लो जी आलू अपने इधर मैश कर लिया देखो इदा। तो हूँ आप पावे नमक मिर्च, सब तो पहले तो पावे जी आप चिली फ्लैक्स। जे थोड़े को चिली फ्लैक्स नहीं है ना तो तुम ये जगह 2 सुकिया लाल मिर्चा लियो, उन्होंने कुट लियो, वह कुट के पा लियो। तो यह ले जी अपने थोड़े जे ओरिगैनो, ये पावे जी आप काली मिर्च, नमक मिर्च जो टेस्ट अकॉर्डिंग पा लियो, थोड़ा किन्ना घट वध खाना पसंद है ना। लो जी ये पा लिया अपने नमक, लाल मिर्च थोड़ी जी पा लेंगे आप अजवैन, ता जी अपने हाजमे वास्ते भी सही हो गए। तो टिक्किया खा के अपन डकार जी ना आई जान। लो जी अजवैन पा ली। तो यह हैगा जी अपना चाट मसाला, इन्ना क पा लेंगे आप चाट मसाला, जी टिक्की अपनी है टेस्टी चटपटी जी बन जाए। तो यह हैगा जी अपना अमचूर, थोड़ा जहा अमचूर पा लियो,
लो जी हुणे उहनूं आपां मिक्स कर लैंदे आ। पर इस तो पहला पर जिहड़ा चौलां दा आटा है ना ये भी पा लिए नाल, क्योंकि ये ना तुसीं चौलां दा आटा देख के पा लिओ, तुहानूं जिन्ना कि लगे थोड़ी टिक्की बाइंडिंग होण लग गई तिड़ नहीं रही। मैं तुहानूं दिखा दिंदी हां, आ देखो एक चम्मच पाया, दो पहला पाए जी आपां ने तीन चम्मच, ते हुण आपां इहनूं मैश कर लैंदे आ, मिक्स कर लई सारी चीज़ नूं विच इहदे। लो जी देखो आपां ने मिक्स करिआ, पर इहदे नाल ना इह बाइंडिंग नहीं हो रही, अब टिक्की खिलर रही है। तो आप दो चम्मच चौलों के आटे के होर पावे, बस इस तो वध नहीं पावे, अपने पूरे पांच चम्मच चौलों के आटे के हो गए। तो यह लिया जी अपने कुछ पुदीने दी पत्तियां, तुसीं इहदी जगह धनिया भी पा सकते हो, हरी मिर्च भी पा सकते हो, जे तुसीं मटर पाना चाहते हो तो तुसीं वह भी पा सकते हो, थोड़ी अपनी चॉइस है तुसीं की खाने विच पसंद करते हो। है ना जी अपने पुदीने दी पत्तियां पा लिया कुछ, ते हुण आपां इहनूं सारे मिक्स कर लेंगे। बस हुण इहदे नाल जिहड़ा अपने आटे दी इहनूं बाइंडिंग अच्छी आ जाऊगी। इन्ना कु अपने ना ये नींबू का रस लेना है एक चम्मच, ते विच ए भी पा देना है, इहदे नाल जिहड़ा टिक्की दा अपने दा होर खट्टा खट्टा जिहा टेस्ट आऊगा। ते हुण इहनूं मिक्स कर लेंगे, बस हुण इहनूं इकट्ठा कर लेंगे आपां। लो जी इधर अपने टिक्कियां दी जिहड़ी आलू दी पिट्ठी बना के तैयार कर ली, ते इहनूं आपां इहने 2-4 मिंट लई रख देंगे। है ना ते इधर जिहड़ा अपने फ्रेंच फ्राइज वास्ते समान तैयार है, इहदे विच ना हुण आपां नमक मिर्च पा लेंगे। सब तो पहले तो आपां पावांगे इहदे विच काली मिर्च, इधर इहदे उपर छिड़क देनी है, ते हुण पावांगे चिट्टा नमक, ये भी इदा उपर छिड़क देना। ये ना तो आलू थोड़े जो मिठे ने इस करके थोड़ा नमक ज़्यादा पाने की लोड़ है, बाकी तुसी नमक मिर्च जो टेस्ट अकॉर्डिंग पा लिओ। है ना इन्नी क पा देंगे पर लाल मिर्च, वैसे इदा उपर भुक्कनी जी हो है। तो यह लिया जी अपने चाट मसाला, ज़्यादा पता की टाइम बहुत घट इस करके मैं थोड़ा बस हाथ ना ही दस रही हूँ भी इन्हें तुम ये चीज़ पा लियो। तो हूँ इन पहले आप नमक मिर्च ये मिक्स कर लेंगे, तेल अपने एक बार गर्म हो गया, तो हूँ आप गैस करते जी घट, तो इधर ले जी अपने कॉर्न फ्लोर ये उपर इदा छिड़क देना है। यह अपन ले जी 1.5 चम्मच लिया, तो इन ना इदा सारे के उपर कोट कर देना है कॉर्न फ्लोर। लो जी नमक मिर्च अपने ये पा लिया, चाट मसाले भी पा दिया, तो हूँ इन एन चंगी तरह इदा कर लेना, ये उपर ना एन कोट हो गए मसाले भी, तो जोड़ा कॉर्न फ्लोर है वह भी। तो हूँ आप इधर कड़ाही च पा देंगे इनू, एकदम ज़्यादा गर्म ऑयल च नहीं पाने है, बस ठीक ही पाने हैं, तो जो ज़्यादा गर्म होगा तो गैस घट करके उन्होंने ठंडा कर लो थोड़ा जहा। तो इन्हों थोड़े हल्के हाथ ना हिलायो जो थोड़े आलू ज़्यादा होए हुए हैं, क्योंकि फिर ये टुटन की कगार भी आ जाते हैं। बस इदा छेड़ना नहीं है हजे, गैस है पुदीना हरी मिर्च मम्मी ने समारती।
बस हूँ आप कट देंगे ये कट के बस आप टिक्किया बनाने की तैयारी करते हैं। हूँ सवेरे सवेरे मुंडे ने साजरे वजे कम लाते नहीं तो बस सवेरे सवेरे रोटी बनती है हूं बस सवेरे खाके जाऊगा लेके जाऊगा लेके भी जाने लेके भी यही जाने खा के थोड़ी ना जाने कल मैडम ने कहा भी स्कूल के टिक्की जो मर्जी लेके आओ अब तो खुश हो गया मैडम ने जय कह गया है बहुत ज्यादा टेस्टी है देखो विचो बिलकुल सॉफ्ट बाहरों क्रंची बस इन्हें ऐदा ही रख देंगे है ना क्योंकि जे अपन एक ना भी डब्बे च बंद करते सलाब जाएंगे थोड़ी हवा नहीं लग जाएगी फिर टिफिन च पा देंगे तो इधर अपनी गैस हजे करे हुए कर मैं मूली कद्दूकस कर रही थी सलाद वास्ते है ना जो अपने टिक्कियां उपर पाने बस थोड़ी जी रहती थी फिर तो लो जी हम अपना टिक्कियां बना ली अगर अपन टिक्की दिखाने बना के भी अपने की सलाद टिक्की बनानी है इन्ना क्वेश्चन लेना अपने आटे का सॉरी आटे आलू का मैं ना मक्की के आटे के पेड़े इदा बनाने की आदत पै गई मैं ना कणक के आटे का भी इदा ही पेड़ा बना लग जा आदक बिल्कुल यह बाइंड हो गया ठीक है तो इन्हू ना इदा कर देना आदक बिल्कुल नहीं यही तिड़ रही तुम्हें ना यह पतली रखनी है मोटी नहीं रखनी हैगी बचाओ फिर यह क्रंची जी नहीं होगी आकार तुम छोटा व्डा जिदा मर्जी रख सकते हो बस इन्नी मोटी रखी है अपने ये एक टिक्की बना के पहले मैं ट्राई करी सी है ना भी जुड़गी या नहीं है ना उन्हें मैं पापा जी ने दी थी खाने वास्ते पापा जी कहते बहुत टेस्टी है भी होर लिया दो मैं पापा जी तो हजे सैंपल बनाया सी भी होर बना के देवे है ना लो जी अपने इदा इदा करके टिक्किया सारिया बना लेनिया तुसी तवे दे भी बना सकते हो घट ऑयल च ते जिदा भी बनानी चाहते हो उदा बना सकते हो भावे डीप फ्राई कर लियो फ्रेंच फ्राइज बहुत है ठीक है थोड़ी सी है कट है खाए नहीं जाने चिट्टा गुगला आ गया चिट्टा गुगला टिक्किया बन रही है आ चल बस हूं तू नहाने की तैयारी कर बन जूंगी बस टिक्किया ना बस हूं बन जूंगी है कै बजे आना तेरे को अठ बजे आना घंटा रह गया बस बस तेरे वास्ते बना देनी पांच सात टिक्कियां हमें तो बाकी फिर बना दूंगी हमें कड़े खानी है हमें इन्नी सजरी जा पुछ करके चल भजा हमने सिंपल रोटी बनाई खाओ कुर्सियां सुती पै गई लाभ चक लो जी ऐसा अपने बचा के टिक्किया पलटनिया दुकानी करके लो जी आ देखो टिक्की बन के तैयार है बिल्कुल यार क्रिस्पी बनी है तो ऐसा ही अपने बनाई जानी है तो कढ़ी जानी है तो फिर थोड़ा प्लेटिंग करके दिखावांगे ठीक है इतने ही खड़े है जिन्हें लेके जानी है ठीक है ठीक है एक दो फ्रेंच फ्राई दी बस आ देख लो जी टिक्की रंग के बन गई है देखो बारो क्रिस्पी ते बिचो सॉफ्ट हजे गर्म है पर थानू बाद च खाने है ना ते ऐसे ही पा हो गए आ नहीं मम्मा कौन दिन फ्रेंच फ्राइज पहले उधर हेलो कर हेलो जी गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग ये क्या होता है भाई हाँ 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 गैस कट करती इन्हू क्या पूछा उपकरण हो गए चक ले नहीं
जाके अद्धा घंटा पहला खाना पाई नहीं लग गया मैं और पखे जो लगे शिकायत पता मैं किन्ने बजे की उठी नहीं है चार बजे की उठी मैं साढ़े चार बजे की लो जी उदम हो गया तैयार स्कूल नू जाण वास्ते ते इहदे लंच बॉक्स च मैं पाती आ टिक्कियां फ्रेंच फ्राइज ते इहने खा भी ले उदम किवें की लगी इधर मूंह करके टेस्टी दी लो जी अज दी इहदी आ ड्रेस है हना इहने स्कूल च पा के जानी है कैप इहने बैग च पा ली अपनी ते सारा कुछ अपने पाते हना बैग च ते हजे साफ सफाई करन वाली रहिंदी है अपनी सारी आ देखो इधर भी खलारा ते इधर मम्मी बैठे है मम्मी क्या कर रहे हैं बेली नहीं बैठी है कर तो एडा बड़ा काम रही है क्या बनाया था आ देख लो ये काम पता नहीं क्या बनाया मैनू भी नहीं बनाना आता हाँ देखो थोन मम्मी जराबा दिखावा दिखाओ मम्मी जराबा मुड़ी भी अपनी देखो आ इधर अड्डी कट दी सैट करके दिखाओ अड्डी एन करके दिखाओ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਗੁੰਟਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਸੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਹੈ ਮੈਂ ਐਂ ਸਿਉਂ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਿਉਂ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਅੱਡੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੌਕਸ ਬੁਣੇ ਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੈਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ हरी सॉस बनानी है लो जी सॉक्सा बुना हो रही ने मेरिया दो दो जोड़े हो गए दूसरा हो गया मम्मी कहते फिर उदम दिया बुनूंगी ये बाद कहीं मैंने पास में लिया मैं जराबा बुनी जाया करूंगी थोड़ी बैठी एनी कहनी बुनूंगे लो जी टिक्कियां अपने बना ली आ देखो पहला उदम भेजे स्कूल फिर टिक्कियां बनाई है टिक्कियां सारिया बना लिया ते टिक्कियां तैयार करने वास्ते है ना अपने बदाम ले सौगी ए हैगी जी अपनी टूटी फ्रूटी एक इन हो कहते चैरी दो कलर की चैरी ली है ए हैगा जी अपना क्या कहते चकंदर भुल गई ए चकंदर नूं अपने इदां बरीक बरीक कद्दूकस कर लिया ਇਹ ਬਣਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹਰੀ ਚਟਣੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਬਾਕੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਏ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਚੀਰ ਲਏ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਟਿੱਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਜੇ ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦਹੀਂ ਨਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਮਲੀ ਦੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੀ ਚਟਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਦਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਦੋ ਟਿੱਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਤੀ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਟੇਸਟ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕੀ ਦੇਖਿਓ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੂਗੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਕੰਦਰ ਇਹ ਚਕੰਦਰ ਪਾ ਦਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੂਲੀ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਚਕੰਦਰ ਦਾ ਚਕੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਜ਼ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਸੌਗੀ ਦੱਖਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਸੌਗੀ
बस तैयार है भाई। लो जी बादाम पाते, जी अपना मसाला जिद टिक्की का टेस्ट आना। जी अपना चाट मसाला, लो जी थोड़ी जी गुप्पा हरी सॉस हो पा दी। टिक्की अपने बन के तैयार है। आ देखो एकदम हलवाई स्टाइल अपने बनाई टिक्की जी। ते हुण आपां करांगे गर्मा गर्म टिक्की सर्व। बाकी थोनू खा के दसांगे, तुसीं भी बना के जरूर ट्राई करियो जी। चलो जी हुण आपां सारिआं नूं दिंदे खाण वास्ते टिक्की। आपां टिक्की करके आंदे सर्व, मम्मी ने पापा जी खाते अपने डाइनिंग टेबल ते। लो पापा जी, मम्मी थोड़ी लिया रही है, ठीक है। खा के दसो किवें की बनी है। हाथ गर्म हो रहे पहला टिक्की खान दे पहला है। लो जी खा के दसो टिक्की का टेस्ट कैसा है। फोन नहीं देखना पहला, टिक्कियां खा लो। 4 बजे का हलवाई खड़े मम्मी ने चटकारे लाए लेके हाथ खड़ा कर रही है भी बहुत वधिया, बोल भी नहीं हो रहा। हां जी पापा जी चुड़चुली है इधरला बंदा करेगा। कम ही है, स्वाद नहीं है कि कम ही है। होर कुछ पवाना देख लो, दही पवाना है, दही पा। मम्मी तुसी और किसी ने नहीं लेना कुछ? अच्छा दही थोड़ा, मैं दही होर लिया देवा। लो जी सारे कहते थोड़ा थोड़ा दही होर पा दो। मम्मी कहते उन्हां दी एजी टेस्टी हुंदी नहीं हैगी, अपने वाली बाली स्वाद बनी हुई है। देख लो अपने चौलों का आटा पाया, नाले अपने होर कुछ नहीं पाया है। अपने घर की साफ सुथरी टिक्की बना के खाओ जो भी दिल करे। समान तो इन्ना का अपने घरे हुंदा, चौल हुंदे, जे नहीं आटा लिया हुंदा चौलों नूं पीस लो साफ करके चौलों नूं। लो जी बाहर अंकल जी ने भी दी। अंकल कैसी लगी टिक्की? होर लेनी? बस हलवाइया के स्वाद है ना उत्थे खा के आवा है ना। हाँ अपना तो घर का साफ सुथरा सरों का तेल लाया हुआ है, नाले साफ सुथरे आलू है। पल्लिया तुसी खासी है कड लिया, बस हूँ लगे बनन थोड़ी। लो जी टिक्किया सारे ने खा लिया, तो बहुत मजा आया टिक्किया खा के है ना। नीरा स्वाद ही लिया टिक्किया ने, तो मूँह चो भी मिर्च ना नक् चो भी पानी निकल लग गया। सरदार जी कहते सुड़ सुड़ कर ला दें, कहते मैं जे फिर टिक्की इदा दिना खाई स्वाद ही की आना। मेरे जी चुटचली टिक्की ना खाधी, तो धुंद हजे उतरी नहीं हैगी, वैसे हल्की फुल्की जी उतर गई, तो बदलवाई हजे हो ही पई है। हाँ जी मूपर मल बंदे हूँ किधर की तैयारी। लो जी हूँ अपनी आ गई तूड़ी वेचन की बारी, टिक्किया खा के हूँ तूड़ी बनन जाना है। मैं क्या हूँ टिक्किया कढ़ाण गए तूड़ी बननी है। चलो जी फ्रेंड्स ये सी अपनी अज की वीडियो। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते थोड़ी मेरी अज की वीडियो पसंद आई होगी। जे थोड़ी मेरी अज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मैं लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्यो जी। तो जे तुम मेरे चैनल के नवे तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। धुप्प जी थोड़ी थोड़ी निकली, थोड़ा दूजा कैमरा करके दिखानी। आ देखो सूरज देवता माड़े जहा निकले हजे, इधर गोभी का फुल भी काफ़ी वड्डा हो गया अपना। आज देख के आइए बाहर कुप खोल रहे ने, कुप खोलन की तैयारी। खासा ही खोलते हैं तो लो जी आप मिलेंगे जी नैक्सट वीडियो। तद तक लिए सारे बाय बाय, सत श्री अकाल जी। पापा जी पिला रहे ने मझां नूं पानी, तो हुण असीं करते हैं होर अपना काम कार कोई। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग च, बाय।